अरुण फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने त्योहारी सीजन के अवसर पर आज चाणक्यपुरी में रेल कोच रेस्टोरेंट का शानदार शुभारंभ किया। इस रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन अरुण ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश राणा इनके द्वारा किया गया। इस अवसर पर अरुण फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सचिन राणा, अरुण फूड सर्विसेज के जीएम ऑपरेशन नितिन लोचब, ऑपरेशन मैनेजर परवेश वर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। त्योहारी सीजन में यदि आप ट्रेन का सफर नहीं कर पाए एवं ट्रेन में खाने का लुत्फ नहीं ले पाए तो मायूस मत हो, आपको बिना सफर ट्रेन में खाने का फील कराएगा यह खास डिजाइन किया हुआ रेल कोच रेस्टोरेंट। अरुण फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सचिन राणा ने कहा कि रेस्टोरेंट सप्ताह के सातों दिन सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहेगा। इसके अंदर 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और बाहर में तकरीबन 15 लोगों के बैठने का इंतजाम है। अरुण फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक परिचालन नितिन लोचप ने कहा कि हमने रेल कोच को एक रेस्टोरेंट के रूप में डिजाइन किया है। यह पहल युवाओं और परिवार को आकर्षित करेगी। बाहरी और आंतरिक भाग एक ट्रेन जैसा दिखता है जो ग्राहकों को एक यथार्थवादी अनुभव देता है। उन्होंने कहा कि अरुण फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अपने ब्रांड दालगोना, कपासा और रानास को वाराणसी, विजाग, उदयपुर, पटना, वडोदरा, प्रयागराज, त्रिची, भुवनेश्वर आदि जैसे विभिन्न हवाई अड्डों पर संचालित करता है। दालगोना, कपासा और रानास की शानदार सफलता के बाद ब्रांड्स के रूप में हवाई अड्डों पर हमने अन्य स्थानों पर भी अपना कारोबार बढ़ाने का फैसला किया है। नितिन लोचप ने कहा कि कंपनी दिवाली और त्योहारी सीजन के अवसर पर 20% की विशेष छूट दे रही है। He is the chairman of Arun Group of companies. Before 5 years, we have just started our beginning, our journey at the airports. So in 2018, we have started like 2 to 3 outlets at the airports with the brands of just like the Dalgona, Kapasa, Rano's, the Air Lounge, the Air Bar. With the grand success of the Dalgona, Rano's, Kapasa, we have also decided, we have also expansion our outlets and you know apart from the airport, so we have just opened here in Chaanakapuri railway station with the help of railway divisions. Sir, Diwali par ke logon ko itna bada offer diya hai, kya kuch kahenge, kya khas rehne wala hai is restaurant mein? सर, इस रेस्टोरेंट में हमने जो थीम डाला है, अपना आई एम हेडिंग द बिजनेस ऑफ अरुण फूड अक्रॉस इंडिया एंड दिस सेटअप वी हैव डन टू नो टू प्रोवाइड फूड टू द पीपल हु वांट टू एंजॉय फूड इन टू द रेल। इस रेस्टोरेंट को जो थीम दिया गया है, एक रेल का थीम दिया गया है और इस मेन्यू को भी इस हिसाब से कवर किया गया है सो डैट एवरीबडी कैन एन्जॉय द मील। बच्चों का खाना जैसे उनको पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें पसंद है, फ्राइज पसंद है। ये रेल की थीम का ये थीम जो है, अभी रेल जो रेलवे डिवीज़न है, अब ये लोग इन्होंने टेंडर्स निकाले हैं अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट लोकेशन, तो हम उस टेंडर्स को बाय करके उस थीम को यहाँ पे लेके आए हैं इन पॉश एरिया ऑफ चाणक्यपुरी। तो नियर बाय जो डिग्नेटरीज हैं, जो एम्बेसीज के लोग हैं, इफ दे वांट टू गो आउट, उनको खाना खाना है तो दे ऑल पीपल कैन कम ओवर हियर एंड दे कैन हैव फूड। सर्विस कितने टाइम तक की? ये रेस्टोरेंट ऑपरेशन होगा सर मॉर्निंग 11 बजे से रात के 11 बजे तक, थ्रू आउट ऑपरेशन 12 आवर्स का ऑपरेशन है। मेन्यू कैसा रहेगा सर? बहुत वेज एंड नॉन वेज ऑप्शन इज देयर, जैसे पॉपुलर आइटम है टिक्काज हो गए, कबाब्स हो गए, आपकी करीज हो गई, बटर चिकन हो गए, ये सब आइटम्स अवेलेबल होगा और वेजिटेरियन में कढ़ाई पनीर, पराठा, ये सब अवेलेबल। कितने लोगों की इसमें टोटल 52 की सीटिंग है, 40 पीपल अंदर बैठ सकते हैं कोच के अंदर और 15 लोग बाहर बैठ सकते हैं, टोटल 55 का सीटिंग है अभी अवेलेबल। ऐसे आउटलेट अब कहाँ कहाँ खोलने जा रहे हैं? सर, ऐसा आउटलेट अभी फैला हमने यहाँ स्टार्ट किया है और हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है हरिद्वार के अंदर भी, तो सेकेंड आउटलेट हम वहाँ खोलेंगे और कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी, अरुण ग्रुप ऑफ कंपनीज इज ओपन टू टेक दो टेंडर और अक्रॉस इंडिया जहाँ भी लोकेशन मिलेगी हम और आउटलेट खोलेंगे। भारतीय रेलवे का क्या इन्वॉल्वमेंट सर? भारतीय रेलवे का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा, उन्होंने हमारे को हर उस पर सपोर्ट किया, हमारे को जैसे लाइन्स यहाँ पर लेके आनी थी, द कोच वॉज सो हैवी टू लिफ्ट अप, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, उसको हम लिफ्ट अप करके यहाँ लाए, उनकी टीम यहाँ पर आई जिन्होंने पूरे वॉशरूम का सेटअप करना सिखाया, उसकी कटिंग किस हिसाब से करनी थी, उसको बिल्डअप कराने में हमारे को काफ़ी ज़्यादा IRCTC ने बहुत सपोर्ट किया। सर, ये लैंड जो है आपको कहाँ से, रेलवे की लैंड है या आपको अपनी? सर, ये रेलवे की लैंड है, कमर्शियल लैंड है उन्होंने और ये उन्होंने हमारे को रेंट आउट पर्पस पे हमारे को लीज आउट करके दिया। ठीक है, थैंक यू। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।